दोस्तों, मैं रुबीन ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी हैविडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेसिकली हम जो हमारी एनसीईआरटी बुक है प्लस टू क्लास की, उसको फॉलो करने जा रहे हैं। तो उसकी जो एक्सरसाइज 5.2 है, उसमें से हम जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन हमारे पास है। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? जीरो। जैसे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है 5, 10, 7, इनकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी? जीरो। तो दूसरा फंक्शन इधर हमारे पास है x टू द पावर n। मान लीजिए हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी? जो हमारा n है वो पीछे आ जाएगा और x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन होगी n x टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर 9। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 9, हमारा पीछे आ जाएगा, x टू द पावर पावर में से एक माइनस कर देंगे, 9 माइनस 1, जो हमारा हो जाएगा 9 x टू द पावर 8। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी। अब तीसरा फंक्शन हमारे पास है साइन। साइन इसकी डिफरेंशिएशन होती है हमारे पास कॉस एक्स। और चौथा फंक्शन है कॉस एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन रहती है माइनस साइन एक्स। टेन की डिफरेंशिएशन सिकेंट स्क्वेयर एक्स और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से सेकेंड एक्स और कोसेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। सेकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड एक्स टेन एक्स और कोसेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। आगे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है उसका पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें बोला गया है कि इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो हम ऐसे इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है साइन। साइन की डिफिनेशन क्या होती है? कॉस। जो ये अंदर वाली टर्म ये एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन की तो हमने डिफरेंशिएशन कर ली, जो अंदर वाली टर्म है उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें अंदर वाली जो टर्म है इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जो हमें फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर एन, उसकी डिफरेंशिएशन क्या रहती है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो उसी तरह एन हमारे पास 2 है, तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5। 5 एक कांस्टेंट है, तो उसकी डिफिनेशन क्या रहेगी? 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसको हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, 2x cos x² + 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है dy/dx, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर किसी को कहीं डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दे। सेकंड क्वेश्चन,
कॉस साइन एक्स, ठीक है. सुपोज वाई इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स. नाउ देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स, ठीक है. तो देखिए हमारे पास है कॉस, सबसे पहले तो कॉस की डिफिनेशन क्या रहती है, माइनस साइन एक्स, बट अंदर हमारे पास है साइन एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ साइन एक्स. तो कॉस की तो हमने डिफरेंशिएशन कर ली, लेकिन हमें अंदर वाली टर्म की भी डिफरेंशिएशन करनी, हमें एक्स तक डिफरेंशिएट करते करते पहुंचना होता है, ठीक है. तो कॉस की डिफरेंशिएशन साइन अंदर वाली टर्म एज इट इज इनटू डी अपॉन डी एक्स, अंदर वाली टर्म की डिफरेंशिएशन होगी अब साइन ऑफ एक्स, ठीक है. तो ये बनेगा माइनस साइन साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी अब कॉस ऑफ एक्स. तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा माइनस साइन साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स. तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, नो सपोज वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी. ये भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही इजी है. तो इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी. तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले साइन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस, अंदर वाली टर्म एज इट इज डी एक्स प्लस बी इंटू अंदर वाली टर्म की अब डिफरेंशिएशन होगी डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज. अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन अलग से, डी अपॉन डी एक्स बी इसकी डिफरेंशिएशन अलग से, कॉस एक्स सॉरी कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज. तो देखिए ए एक्स जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन से हमेशा बाहर आ जाती है, तो ए हमारे पास कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स प्लस बी, बी एक कॉन्स्टेंट टर्म है यहां पे, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी जीरो. तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है. देखिए ए एज इट इज डी एक्स अपॉन डी एक्स वन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए, तो इसका आंसर होगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी. तो ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए. आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सपोज वाई इज इक्वल टू सीकेंट टेन अंडर रूट एक्स. तो ये यहां पे हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अपने बेसिक है, बेसिक्स को याद रखते हुए क्वेश्चन को करना है. तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेकेंट टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है. तो देखिए सेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या रहती है, तो सेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है वो होती है सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स. बट यहां एक्स की जगह पे क्या है, यहां पे इस क्वेश्चन में एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह ये हमारी पूरी टर्म क्वेश्चन है, ठीक है. तो देखिए सेकेंट की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो सेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन सेकेंट, तो एक्स की जगह पूरी टर्म है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे टेंजेंट अंडर रूट एक्स सेकेंट एक्स
tangent x, tangent under root x. देखिए secant x, इसकी डिफिनेशन क्या थी, secant x tangent x, बट क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दी हुई है, x हमारे पास ये टोटल टर्म में x है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, secant x, ये वाली टर्म x हो गई, tangent x, ठीक है, तो इस वाली टर्म की तो डिफरेंशिएशन, इस वाली टर्म secant की तो डिफरेंशिएशन हो गई, लेकिन हमें हमें अभी अंदर वाली टर्म की भी डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसको हम लिखेंगे d upon dx tangent under root x, ठीक है, तो इसको हम यहां जैसे लिख रहे हैं dy upon dx is equal to secant tangent under root x tangent under root x, ये वाली टर्म एज इट इज, अब हमें इस टर्म की डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले टेंजेंट है, तो टेंजेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जो हमारे पास होता है टेंजेंट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होती है सेकेंट स्क्वायर एक्स, यहां देखिए यहां तो एक्स है तो सेकेंट स्क्वायर एक्स होगी, बट यहां पे हमारे पास रूट एक्स है, तो क्या रहेगा, टेंजेंट की डिफरेंशिएशन है सेकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स, अब टेंजेंट की भी डिफरेंशिएशन होगी, अब बचा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स की डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, अभी हमें इस वाली टर्म की डिफरेंशिएशन करनी है, और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू दी पावर वन बाय टू, तो हम इधर लिख सकते हैं, तो इधर हम इस तरह से लिख सकते हैं डॉट डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर वन बाय टू, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सेकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स टेंजेंट अंडर रूट एक्स, ये वाली टर्म तो एज इट इज है यहां तक, सेकेंट स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, अब देखिए ये किस तरह का फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है एक्स टू द पावर एन का, बट एन की वैल्यू यहां पे क्या है, एन एन की वैल्यू यहां पे है वन बाय टू, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी क्या होती है डिफरेंशिएशन, एन एन पीछे जाता है, एन क्या है वन बाय टू, ठीक है, वन बाय टू एक्स वन बाय टू माइनस वन वन, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा सेकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स टेंजेंट अंडर रूट एक्स इंटू सेकेंट स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वन बाय टू, और एक्स वन बाय टू माइनस वन, एक्स टू द पावर माइनस वन बाय टू, और एक्स टू द पावर माइनस वन बाय टू, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन रूट एक्स, तो इसको हम यहां पे सिंप्लीफाई करके जो ये वाली टर्म, इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा वन बाय टू रूट एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नंबर फाइव है, ये आप सबको एक टास्क के तौर पे है, तो कृपया करके आप इसको कर लें, तो मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, नहीं ये वाला क्वेश्चन आपको करवाना पड़ेगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन f1x, कोई दो फंक्शन है f1 अपॉन f2x, कोई दो फंक्शन डिवाइड में है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई होगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन, चलो ये तो टेंजेंट, कोई फंक्शन है मान लीजिए एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे कोई फंक्शन है जो डिवाइड में है, कोई दो फंक्शन, ठीक है, ऐसे दो फंक्शन है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ वन अपॉन एफ टू, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास होती है जो नीचे वाला है f2, फंक्शन f2 का स्क्वायर, जो हमारे पास फंक्शन f2 है उसका स्क्वायर लिख दिए, तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख दीजिए, जो फंक्शन f2 है उसका स्क्वायर,
फंक्शन एफ टू एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ वन, ठीक है, माइनस जो हमारा सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कोई दो फंक्शन हमारे पास अगर डिवाइड में है तो क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है, जो हमारे पास सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लिख देंगे, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव कर लेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा बन रहा है फर्स्ट फंक्शन, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारा रहेगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला आपको बताया है वो है, सेकेंड फंक्शन ऐसे लिखेंगे, एफ टू एज इट इज, एफ वन का डेरिवेटिव माइनस एफ वन एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो देखिए इसमें सेकेंड फंक्शन है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको एज इट इज ऊपर लिख देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब देखिए हमने फर्स्ट सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इतना लिख लिया आपने। नेक्स्ट देखिए इसको एज इट इज, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज, कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ठीक है। अब देखिए साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन डिफरेंशिएशन कॉस, और साइन की तो कर ली, ए एक्स प्लस बी की, ए एक्स की डिफरेंशिएशन ए हो जाएगी, और बी कॉन्स्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जीरो, तो ए प्लस जीरो, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, तो इसको लिखेंगे हम माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और हमारे पास सी एक्स प्लस डी कॉस की डिफरेंशिएशन तो होगी, सी एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सी, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं यहां पे, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या बनेगा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को ऐसे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये बन जाएगा कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिख देंगे, ए वो स्टार्टिंग में लिख लें, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए प्लस बी ए एक्स प्लस बी, और यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस सी को लिख देंगे स्टार्टिंग में, ये बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं,
अगर आपको जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन दिया है, अगर आपको उस तरह से चाहिए तो देखिए, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया है। देखिए, तो कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पे ए तो वन अपॉन कॉस, देखिए ये तो स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे, तो इसको वन अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टेंजेंट सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन अपॉन कॉस टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो दो कॉस है, मतलब कॉस स्क्वायर है तो एक बार तो साइन अपॉन कॉस बन गया हमारा टेंजेंट, एक बार रहेगा वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो उसको हम लिख सकते हैं यहीं पे, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये रहेगा सिकेंड सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज बता दें। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो बता देना, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो ये तो हो गया, जब कोई दो फंक्शन डिवाइड कर रहे होंगे एफ वन और एफ टू, और इसी तरह अगर कोई दो फंक्शन एफ वन एक्स एफ टू एक्स वो मल्टीप्लीकेशन में है तो कैसे डेरिवेशन होगी उनकी, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो उनकी डिफरेंशिएशन होगी तो कैसे होगी, जो फर्स्ट फंक्शन है एफ वन एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब कोई भी दो फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है एक्स साइन एक्स, ये आपके पास दो फंक्शन किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, तो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं बुक में से ही। चलो मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करेंगे, डी वाई ओवर डी वाई एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, कौन है ये, हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए एक्स एज इट इज, साइन की डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एंड एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम अभी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6, उसमें देखिए हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब
into sine square x to the power 5. ठीक है, तो हमें अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy अपॉन dx, तो यहां पे हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, एक बार फिर से लिख लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन होगी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy अपॉन dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ये है, तो cos x cube as it is d upon dx sin square x to the power 5 plus sin square x to the power 5 as it is d upon dx cos x की power 3. देखिए cos x cube as it is, अब sin square x to the power 5 इसको आप कैसे करेंगे. देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से आता है sin square x to the power 5, मान लीजिए sin square x कोई फंक्शन है. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं. देखिए sin x into sin x इसको लिख सकते हैं, तो यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, sin x as it is d upon dx इस वाले sin x की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा sin x as it is फर्स्ट वाले की डिफरेंशिएशन. तो देखिए इसका क्या होगा, sin x as it is sin x की क्या होती है cos x प्लस sin x as it is sin x की क्या होती है cos x. इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, sin x as it is sin x की cos of x. तो देखिए ये बन जाएगा 1 sin x cos x इधर 1 sin x cos x इधर, तो ये जाएगा 2 times sin x cos of x. एक तो ये वे हो गया. ठीक है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन लंबा जाता है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए sin square x है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy upon dx, जो इसका जो पावर है वो पीछे आ जाएगी, पावर रूल उस x टू द पावर n, उस तरह से सोच सकते हैं आप इसको. ठीक है, n पीछे 2 पीछे आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 sin x, बच गया sin x d upon dx of sin of x. सबसे पहले तो हमने पावर की डिफरेंशिएशन कर ली, तो ये आ जाएगा 2 sin x. ठीक है, अब हमें sin x की डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये हो जाएगा sin x, तो पावर पहले पीछे आ जाएगी 2 sin x, sin x की क्या होती है cos x. ठीक है, तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे. तो देखिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2 times sin x to the power 5, ये तो होगी इसकी d upon dx, क्या बचा हमारे पास sin x to the power 5. ठीक है, ये इधर आ गया प्लस प्लस ये वाली टर्म इधर लिखा हूं sin square x to the power 5, cos की डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस sin x cube, और cos की तो हो गई लेकिन ये वाली टर्म रही है d upon dx x of cube. ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं इधर. तो देखिए ये वाली टर्म हमारे पास है dy over dx, इसको हम as it is लिखेंगे cos x cube 2 sin x to the power 5 sin x to the power 5. अब हमें करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी cos x to the power 5, अब sin की तो हो गई लेकिन x to the power 5 की बच गई d upon dx x to the power 5 plus sin square x to the power 5
ये माइनस है तो माइनस साइन हम पहले लिख सकते हैं, यहाँ वाला माइनस साइन हम पहले लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स टू द पावर 3। ठीक है, तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 पीछे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। तो यहां पे देखिए कॉस एक्स क्यूब एज इट इज 2 साइन एक्स टू द पावर 5 एज इट इज, कॉस एक्स टू द पावर 5 एज इट इज, एक्स टू द पावर 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 5 पीछे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब 3 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो अभी हमारे पास दो क्वेश्चन बचते हैं 7th और 8th, तो ये आपको रहेगा एक टास्क। तो 7th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर, एंड 8th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos रूट x। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप कर लेना, और आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you.